हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 500 वॉट का एम्पलीफायर लेकर आया हूं। इस 500 वॉट के एम्पलीफायर का मॉडल नंबर है SPA, मतलब कि सुपर पावर एम्पलीफायर। चलिए, ये सुपर पावर है या नहीं या इसका आउटपुट कैसा है, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लेना चाहते हैं तो नियरेस्ट डीलर से कॉन्टैक्ट कीजिए या मुझे भी याद कीजिए, ऑफिस नंबर नीचे दिए देता हूँ। आज के वीडियो में एक सरप्राइज़ है, वो ये है कि यहाँ पे आपको एक ओनली एक मिस्टेक देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में पॉइंट आउट करूँगा कि क्या है। लेकिन तब तक के लिए आप कमेंट कीजिए और वो मुझे बताइए कि वो मिस्टेक आपको कहाँ दिख रही है। मैं पूरा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, उसमें कहीं एक मिस्टेक दिखेगी, वो आपको मुझे ढूंढ के बतानी है और कमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाई ट्यून बेस की ओर से 500 वॉट का एम्पलीफायर SPA मॉडल। ये मोनो चैनल है, मतलब सिंगल चैनल एम्पलीफायर जिसे बोला जाता है। इसमें माइक वगैरह का सिस्टम दिया नहीं है, ये सिर्फ एम्पलीफायर लेकिन पावर एम्पलीफायर जैसा काम करता है। बॉक्स पे सारे रजिस्ट्रेशन दिए हुए हैं, स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, आउटर बॉक्स कुछ इस टाइप का दिखता है। ये एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन है, 750 वॉट तक के इसका मैक्सिमम आउटपुट बोला गया है, लेकिन हमने इस पर 900 वॉट तक चेक किया है लगभग आधे घंटे तक। आधे घंटे में भी ये इतना हीट हुआ नहीं था। चलिए बाकी आगे देख रहे हैं हम लोग अनबॉक्स करते हुए इसे। बॉक्स के अंदर थर्माकोल लीड वायर दिया हुआ है। ये लीड वायर एक अच्छा आस्पेक्ट है, जिससे कि मेन्स कॉर्ड अंदर से नहीं आता है, बाहर से ही आप इसे अटैच कर सकते हैं। इसका मैनुअल दिया हुआ है, इसका वारंटी कार्ड दिया हुआ है और वेटेड एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का वेट लगभग 26 kg है। आप इसे देख सकते हैं, इसकी चेसी काफ़ी मजबूत है। नहीं तो रेगुलर जो एम्पलीफायर आते हैं, जो लोअर कॉस्ट वाले, इनकी चेसी बेंड हुई निकलती है, इसकी कहीं से भी बेंड नहीं हुई है। कॉमन 4 ओम्स 8 ओम्स का ऑप्शन दिया हुआ है, कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। सो गाइस, दिस हैपेंस टू बी हाई ट्यून बेस SPA 5000 EM एम्पलीफायर। इसका लुक कुछ इस टाइप का दिखता है, बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत मजबूत भी। एम्पलीफायर के सामने का लुक जो होता है वो लगभग हर एम्पलीफायर का सिमिलर ही दिखता है, लेकिन इसमें स्पेशलिटी कुछ ऐसी है कि इसके बटन्स जो दिए हुए हैं, वॉल्यूम कंट्रोल जिसे हम लोग बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं, ताकि मॉइस्चर में भी हो या काफ़ी समय बाद में भी आप इसे यूज़ करें तो इनमें खरखरी जैसी आवाज़ नहीं आती है। इसमें एक सिलेक्शन का बटन दिया गया है, जो कि आपके ड्राइवर यूनिट और स्पीकर बॉक्स का सिलेक्शन करता है। सामने एक वाइट कलर का ओवरलोड स्विच पे आपने ध्यान दिया ही होगा, ये 15 एम्पियर से बड़ा दिख रहा है। ऊपर से हीट वेंटिलेशन है और अंदर से कवर्ड है, ताकि डस्ट या धूल इसके अंदर ना जाए। सिंपल करने के लिए इसे सिर्फ 3 बटन पे ऑपरेट करने के लिए दिया गया है। ये इसका बैक साइड है, सारा जो ऑपरेशन मैनुअल है मेरे ख्याल से वो बैक ही साइड में दिया गया है। यहाँ पे आप हीट सिंक भी देख सकते हैं, साइड से और बैक से दोनों साइड की। यहाँ कॉमन 4 ओम्स 8 ओम्स और कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट लाइन मैचिंग आउटपुट दोनों आपको दिख रहे हैं। इसमें इनपुट सेक्शन एक ही दिया गया है, पीछे से इनपुट सॉकेट और एक आउटपुट सॉकेट। इसमें गेन के बटन के लिए 200 mV और 1 वोल्ट का ऑप्शन अलग से दे रखा है।
कुछ अरबी भाषा में भी दिया गया है क्योंकि ये एम्पलीफायर एक्सपोर्ट भी होता है इंडिया से। 36 वोल्ट बैटरी पे ये चलता है, मतलब कि आपको तीन बैटरीज को पैरेलल कनेक्ट करना होगा। उसके नीचे फ्यूज़ दिया हुआ है और लाइन इनपुट करने के लिए सॉकेट दिया गया है जो एसी 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक काम करता है। एम्पलीफायर दिखने में काफ़ी बल्की दिखता है और यही इसी वजह से इंडिया की चॉइस बनता है। आइए अब इस एम्पलीफायर का एक बार वायरिंग देखते हैं हम लोग। पीछे से आइए, ये हमारे बॉक्सेस हैं सिंगल 15 के, हमने विकी वैन ब्रांडिंग में करवा दिए हैं इसे रेडी। इसमें 15 इंच में 400-400 वोल्ट के स्पीकर डले हुए हैं, 50-50 वोल्ट की HF है, इसमें इंपोर्टेड नेटवर्क है, स्क्वायर बॉक्सेस हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बॉक्सेस को हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले तो ये पहली पिन मैंने लगा दी इसमें और यही केबल यहाँ आके इसमें कनेक्ट हो गया और फिर दूसरा केबल यहाँ आके लग गया है, जिससे कि ये 4 ओम्स बन गया अभी। अब 4 ओम्स को हम लोग क्या करेंगे, इसका वायर लेंगे यहाँ से ये वाला, और एम्पलीफायर के पीछे कॉमन और 4 ओम्स का सॉकेट आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को इसे कनेक्ट करना होता है। ये कनेक्शन बड़ा इजी है लेकिन एम्पलीफायर थोड़ा वेटेड है। ये यहाँ से मैं इसे कॉमन पे ब्लैक वाला वायर लगा देता हूँ। आपको पैरेलल कनेक्ट करने के लिए ब्लैक पे ब्लैक और रेड पे रेड कनेक्ट करना होता है, तो हम लोग भी यही कर रहे हैं। और जो स्पीक ऑन पिंस में नीचे आपने वायरिंग देखी उसमें प्लस पे प्लस यानी कि रेड पे रेड और ब्लैक पे ब्लैक ही कनेक्टेड है, तभी हम लोग इसको 4 ओम्स पे लगा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक बटन दिया हुआ है जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इस बटन का एक फीचर है, इसको आप अगर इधर करेंगे तो ये 1 वोल्ट इनपुट लेगा यानी गेन आपकी कम हो जाएगी। अगर आप इसे 200 MV पे रखेंगे तो आपकी गेन इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि ये नंबर छोटा है लेकिन इसकी गेन बढ़ जाती है इससे। हम लोग इसमें यहाँ सॉकेट में पिन लगाने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने पिन ऑलरेडी कनेक्ट करने के लिए रख दी थी, ये यहाँ से मैंने रख दी। ये हमारा ओल्ड केबल है, हम लोग चेक करने के लिए लगा रहे हैं। सामने से लाओ। अब ये नियरली कनेक्ट हो चुका है, इस पे इनपुट हमने नहीं लगाया है, यहाँ से इसे ऑन करते हैं। बटन ऑफ है वहां से। ये देखिए, ये ऑन हो गया है। अब इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है सामने, बेस ट्रबल दिया हुआ है और मास्टर कंट्रोल दिया हुआ है। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें इनपुट करने के लिए फोन को हम लोग केबल से कनेक्ट करेंगे। हम लोग मोबाइल कनेक्ट करेंगे इसमें इस केबल के थ्रू। ये देखिए, यहां पे इनपुट में मैं लगा रहा हूं इसे, और क्योंकि वॉल्यूम खुला हुआ है तो इस पे जैसे मैं इसे टच करूंगा आपको आवाज आएगी। आइए अब सामने से इसमें फोन लगाते हैं वॉल्यूम कम करके। और एक शानदार सा गाना बजाते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, मैं 2 सॉन्ग्स बजाऊंगा जो कि इस केबल पे रहेंगे, एक NCS वाला जो कि आपको YouTube पे देखने को मिलेगा, और एक रहेगा फिल्मी सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग या भोजपुरी जो भी हम लोग को जाने वाले हैं, वो वीडियो Facebook पे आएगी, तो Facebook की वीडियो को भी साथ में देखते चलिए।
अब मैं आप लोगों को ना मिक्सर चला के दिखाऊंगा। मिक्सर हाईट्यून बेस के एम्पलीफायर को हम लोग अब ये वाला मिक्सर कनेक्ट करने वाले हैं। अब मिक्सर देखिए कौन सा है, ये भी हाईट्यून बेस की ओर से है, SM6BT। ये मिक्सर भी हाईट्यून बेस कंपनी का ही है। अब इसको एक बार लगा के टेस्ट करके देखते हैं, सेम कंपनी का आउटपुट अच्छा ही आएगा कनेक्शंस। ये देखिए मैंने पहला वाला जो था वायर उसको निकाल के इनपुट में ये वायर लगा दिया है जो कि यहाँ मिक्सर में आके लग गया आउटपुट सेक्शन में। अब हम लोग इसको ना एक पहले माइक पे चेक करते हैं कि कैसा बज रहा है। हम लोग थोड़ा सा इको बजा के देखते हैं ताकि इसकी वॉल्यूम कैसी आ रही है आपको समझ में आए। यहाँ से मैं इको सेट करता हूँ इसका। हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो जी। इको भी अच्छी आ गई इसकी, ये कुछ इस टाइप का इसका आउटपुट है। थोड़ा दूर से मैं तो मैं मतलब यहाँ से वॉल्यूम खोल सकूं फिर। हेलो माइक चेक, हेलो हेलो, वॉल्यूम आप देख रहे हैं फिर काफ़ी क्लियर सी आ रही है और काफ़ी दूर से माइक कैप्चर कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर अगर हेवी होता है तो उसकी गेन भी उतनी ज़्यादा मिलती है। गेन ज़्यादा मिलने के बाद ही माइक आपका दूर से कैप्चर करेगा। तो इस टाइप का कुछ यहाँ पे हम लोग सीन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कैप्चरिंग मिल रहा है माइक को। जा रहे चलो, तो अब इस पे हम लोग सॉन्ग बजाएंगे इस मिक्सर के थ्रू। हमने पहले डायरेक्टली मोबाइल से बजा के देखा है, अब हम लोग मिक्सर के थ्रू बजाएंगे। तो मिक्सर से बजाने में इसको गेन ज़्यादा मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना भी वॉल्यूम खोलना पड़ेगा। इससे कम वॉल्यूम में भी मेरे ख्याल से काम हो जाएगा आपका। चलिए अब बजाते हैं गाना। तो भैया अब एक बार ये NCS का सॉन्ग प्ले करते हैं और यहाँ से ये गेन हमें खोलना होता है। इसका बेस, इसका ट्रबल, इसका पैन और इको हम लोग बंद करते हैं मास्टर। आप वॉइस क्लैरिटी देखिए इसकी मिक्सर के बाद। वैसे आप कोई भी सॉन्ग बजा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को NCS इसलिए बजाना था क्योंकि हम लोग YouTube पे टेस्टिंग डालने वाले हैं। अब ये काम करते हैं, एक Facebook के लिए हम लोग रेगुलर वाला सॉन्ग बजा के वो भी टेस्ट करते हैं, वो भी वीडियो हम लोग Facebook पे डाल देते हैं। चलिए, आप लोगों ने एम्पलीफायर की क्वालिटी सुनी, काफ़ी ज़बरदस्त बजता है। मतलब विदाउट मिक्सर बजाइए या मिक्सर के साथ बजाइए, दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ट्रांसफार्मर काफ़ी हैवी है इसलिए इसकी बेस काफ़ी तगड़ी आ रही है। मेन आस्पेक्ट ये है कि इसमें ऑडियो बोर्ड जो यूज़ किया गया है उसके पार्ट्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए इसकी क्वालिटी सालों साल तक बनी रहेगी। मेन चीज़ ये है कि इसके स्क्रूज़ और नट्स पे मेरा ख्याल गया, आपको मैं नीचे का भी दिखा दिया है थोड़ा सा पार्ट, उसमें आप देख सकते हैं कि ये स्क्रूज़ जो लगे हैं ना ये रस्टलेस हैं, यानी कि इन्हें सालों बाद भी जंग नहीं लगेगी, तभी ये मजबूती से एम्पलीफायर आखिर तक बना रहेगा। नहीं तो कई एम्पलीफायर क्या होते हैं, कुछ समय के बाद कभी ये हैंडल हिलने चालू हो जाते हैं, कभी हीट सिंक हिलने चालू हो जाती है, ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाले हैं। छोटी मोटी चीज़ों पे ख्याल रखा गया है। हाँ, अब रहा मिस्टेक वाला पार्ट। एम्पलीफायर में जो मैंने आपको पूरा वीडियो देखा है इसमें कहाँ मिस्टेक आई है, मिस्टेक के लिए मैं एक सेकेंड ले रहा हूँ। एक देखिए, ये इसका बॉक्स है, बॉक्स को मैं ज़रा क्लोज दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें यहाँ AC वोल्टेज जो लिखा हुआ है ये 36 लिखा हुआ है, यहाँ 220 वोल्ट होना चाहिए।
यानी कि एसी वोल्टेज जो होता है वो 220 होता है एम्पलीफायर का। कंपनी ने यहाँ पे मिस्टेक की है, लेकिन कंपनी से मैंने बात कर ली थी, नए जो पैकेजिंग आ गए हैं उसमें ये मिस्टेक हट चुकी है, क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी दिन से था, हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे थे, तो जब फाइनल हमारा रिव्यू बना है तब तक तो उनका पैकेजिंग चेंज हो गया है, तो आपको नए पैकेजिंग वाला मटेरियल मिलने वाला है। चलिए आज के वीडियो को एंड करते हैं, आशा करता हूँ कि ये एम्पलीफायर आपको पसंद आया, और आज का सरप्राइज जो मिस्टेक ढूंढने वाला पार्ट था वो भी आप लोगों को अच्छा लगा हो। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।